जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिरेन है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। इस चैनल में हम सीखते हैं साउंड के बारे में, लाइव साउंड के बारे में, हर एक चीज। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे, समझेंगे लाइव चला के एक एक कंट्रोल को। आज हम समझेंगे इस मिक्सर के बारे में, स्टूडियो मास्टर एयर 6U, छोटा सा लेकिन काम का मिक्सर। चलिए इसको पूरा समझते हैं, सीखते हैं और ऑपरेट करते हैं। तो आइए इस मिक्सर को सही तरीके से, हर एक चीज को समझते सीखते हैं। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 चैनल का मिक्सर है और इस 6 चैनल में हम सेपरेटली कोई चीज, इंस्ट्रूमेंट हो, सिंगर हो या फिर कोई प्लेयर हो, उसको हर एक को अलग अलग वॉल्यूम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सब 6 के 6 चैनल एक ही जैसे हैं, तो एक चैनल को हम समझेंगे तो पूरी 6 चैनल को हम समझ जाएंगे। तो मैंने ये 6 नंबर की चैनल में ये माइक इसमें डाला है, तो उसको हम सीखते हैं। तो ये है अपना माइक इन, यहां से माइक को हम इन करेंगे। ये लाइन इन है माइक, यानी जिसमें हम अगर डायनेमिक माइक लगाते हैं तो XLR केबल इसमें लगेगा इस जगह पे। और लाइन यानी कोई मोबाइल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, कीबोर्ड है, पैड है, उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका ये गेन कंट्रोल है, यानी यहां से हम इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हाई पास फिल्टर है, यानी उससे हाई फ्रिक्वेंसी को हम कंट्रोल करते हैं। ये मिड पास फिल्टर है, मिड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेस यानी लो फ्रीक्वेंसी है, उसको यहां से कंट्रोल करेंगे। ये जो नॉब है वो है ऑक्सिलरी, यानी कि इस नॉब से मेन आउटपुट तो अपना जा ही रहा है, कोई सेपरेट जगह पे हम मॉनिटर डालते हैं उसको, उसमें हमें कौन कौन सी चैनल कितनी डालनी है वो यहां से हम डाल सकते हैं। और ये है अपना इफेक्ट का EFX, इफेक्ट कितना इस चैनल में डालना है वो यहां से कंट्रोल होगा। और ये है अपना पेन, यानी लेफ्ट और राइट में हमें कितना चैनल डालना है वो यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में सेम ही जाएगा। ये फेडर हो गया अपना इस चैनल का मेन वॉल्यूम, और ओवरऑल जो भी उसमें वॉल्यूम जाएगा वो यहां से कंट्रोल होगा लेफ्ट राइट में। तो ये अपना पूरा मिक्सर का हमने कंट्रोल सीखा है, और अभी देखते हैं इसको चला के हर एक नॉब को हम थोड़ा कंट्रोल करके समझने की कोशिश करते हैं और इफेक्ट को भी हम सीखते हैं। तो ये 6 नंबर चैनल मैंने गेन खोल दिया है और ये लेफ्ट राइट भी मैंने खोला हुआ है, और अभी इस चैनल को खोलेंगे तो मेरी आवाज स्पीकर से होकर आपको सुनाई देगी। चलिए ये जो मेरी आवाज है वो स्पीकर से होकर आपको सुनाई दे रही है, और अगर इसमें हम ये तीनों फिल्टर का यूज करते हैं तो कैसे फर्क होता है ये देखिए आप। ये हाई पास फिल्टर है, इसको अगर कम ज्यादा करेंगे तो इससे मेरी आवाज में शार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और घटेगी। देखिए चेक 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 चेक, हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक। तो यहां से हम हाईस को कंट्रोल करते हैं। ये मीड है तो इससे हम मीड को कंट्रोल करते हैं, जैसे मीड बढ़ेगा, हेलो 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 हेलो। और यहां से हम बेस को कंट्रोल कर सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी को। देखते हैं इसको घुमा के दिखाता हूं, हेलो 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 चेक चेक टिस, हेलो 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 हेलो। तो ये अपना फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल हो गया। और ये है अपना ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी अगर इस चैनल को हमें कोई सेपरेट मॉनिटर में डालना है तो ऑक्सिलरी आउट यहां पे दिया गया है, आउट। यहां से हम एम्पलीफायर लगाएंगे और उस एम्पलीफायर में जो स्पीकर है उसमें इस चैनल को कितना डालना है वो यहां से कंट्रोल करेंगे, और उस ऑक्सिलरी को ओवरऑल हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑक्सिलरी का वॉल्यूम भी दिया गया है। ये इफेक्ट, अभी इफेक्ट का ये सेपरेट फेडर है EFX,
इसको हम खोलेंगे और यहां से इफेक्ट को खोलेंगे तो इफेक्ट आएगा। देखिए, हेलो चेक 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 हेलो। अभी इफेक्ट के इस तीन बटन को हम समझते हैं, यह है डिले, यह है रिपीट और यह है सेंड। डिले यानी आवाज हमें कितनी देर में रिपीट जो होती है वो कितनी स्पीड में चाहिए वो यहां से कंट्रोल आता है। देखिए कैसे आता है कंट्रोल। हेलो हेलो हेलो, ये है अपना सेंड। ये अभी मैंने आवाज नहीं आई, इसका कारण यह है कि सेंड में मैंने इन दोनों कंट्रोल को नहीं डाला था। तो ये कितनी देर के बाद रिपीट होगी आपकी आवाज वो यहां से कंट्रोल होगा। हेलो 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 हेलो, और जो आवाज रिपीट हो गई है उसको कितनी बार रिपीट करना है वो यहां से कंट्रोल होगा। कितनी बार पीछे हमें उसका फीडबैक चाहिए वो यहां से कंट्रोल होगा। देखिए, हेलो 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 हेलो, तो ये यहां से कंट्रोल होगा, जिससे आप आवाज कितनी बार हमें रिपीट करनी है वो यहां से कंट्रोल होगा। तो अपने हिसाब से आप इसमें इफेक्ट कंट्रोल करके बना सकते हैं। चेक चेक हेलो, तो ये हो गया अपना इफेक्ट का कंट्रोल। एक और चीज है इसमें मीडिया। मीडिया यानी ये जो मीडिया है यूएसबी है और ब्लूटूथ है। कोई भी ब्लूटूथ जैसे कंट्रोल होता है वैसे ही ब्लूटूथ, आपको ब्लूटूथ मोड में ब्लूटूथ ऑन करना है और आपके डिवाइस में ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है। तो ये सिंपल है, जैसे हर ब्लूटूथ कनेक्ट होता है ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे अपना पोज हो गया, प्ले हो गया, वॉल्यूम हो गया, यही कंट्रोल है। साथ में उसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसका ये मीडिया का ऑन और ऑफ बटन है, ये उसका गेन है और मीडिया का ये वॉल्यूम है। चलिए इसको बजाते हैं। तो इससे हम और एक तरीके से देखते हैं, इसमें हाई और लो दोनों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, तो इस मीडिया की हम यहां से फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जैसे हमने सीखा ऑक्सिलरी का मेन वॉल्यूम है, ये सीडी का। सीडी यानी कोई अगर हम एक्सटर्नल जैसे अपना लैपटॉप हो गया, सीडी हो गया, तो उसका हम यहाँ पे कनेक्ट करके इसको, ये आरसी कनेक्ट है, आरसी कनेक्ट करके इसको हम यहाँ से इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज है हेडफोन्स। हेडफोन्स हमें यहाँ पे इन करना है और यहाँ से हम उसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी लेफ्ट राइट में है वो फोन्स में आ जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई पर्टिकुलर एक चैनल सुनना है तो ये PFL बटन जिस चैनल का हम दबाएंगे वो चैनल सिर्फ हेडफोन में सुनाई देगा। यही चैनल इसको जैसे ऊपर कर देंगे तो पूरा फिर से सुनाई देगा और यहाँ पे उसका LED कंट्रोल भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये है अपना स्टूडियो मास्टर का 6U Air। थैंक यू दोस्तों, ये हमने सीखा आज स्टूडियो मास्टर का एयर 6U। आशा करता हूं आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ और मिक्सर के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, एम्पलीफायर स्पीकर के बारे में आपको जानना है तो कमेंट कर सकते हैं। और सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय।